मेडिकल कॉलेज में फिर उठा धुआं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां 20 घंटे बाद दूसरे वार्ड में धुआं उठा है। बिल्डिंग के बाहर मशीन से फॉगिंग की जा रही थी। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां सेफ्टी अलार्म बजने से मरीजों में अफरा तफरी। कल अग्निकांड में हुई थी 10 बच्चों की मौत। और एक बार फिर से झांसी के मेडिकल कॉलेज में धुआं उठते नजर आया। तो 20 घंटे बाद दूसरे वार्ड में ये धुआं उठा है। उस दौरान की तस्वीर आप देख रहे हैं। जैसे ही इस बात की भनक मौजूद लोगों को लगती है, तो अफरा तफरी का माहौल एक बार फिर इस मेडिकल कॉलेज में। तो बिल्डिंग के बाहर मशीन से फॉगिंग की जा रही थी। संवाददाता रवि परिहार हमारे साथ लाइन पर जुड़ गए। रवि, क्या अपडेट एक बार फिर से मेडिकल कॉलेज में धुआं उठते हुए? जी, आपको बता दें कि झांसी के मेडिकल कॉलेज में एक बार फिर से धुआं उठा और उसके बाद वहां पर मरीजों में अफरा तफरी मच गई। आपको बता दें कि झांसी के मेडिकल कॉलेज के शिशु वार्ड में भीषण हुए अग्निकांड में जहां 10 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई थी, वहीं घायल बच्चों को दूसरे वार्ड में शिफ्ट किया गया था। और जिस वार्ड में बच्चों को शिफ्ट किया गया था, उस वार्ड में अचानक धुआं देखकर लोग अपने अपने बच्चों को उठाते हुए और चीखते चिल्लाते हुए भागते हुए नजर आए। और धुएं की वजह से मेडिकल कॉलेज का अलार्म बजा। उसके बाद हॉस्पिटल के लोग दहशत में आ गए और चीख पुकार मच गई। वहीं जब स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों द्वारा बताया गया कि यह फॉगिंग मशीन है जो मच्छरों को खत्म करने के लिए फॉगिंग की जा रही थी, उसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली। बिल्कुल, लेकिन जिस तरह से इस पूरे मामले में जांच बिठाई गई है, अभी तक उसको लेकर क्या जानकारी सामने आ रही है? ये आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 4 सदस्यीय टीम बनाई गई है, जिसमें स्वास्थ्य निदेशक, महानिदेशक सहित अन्य अधिकारी और कर्मचारी इसमें जांच कमेटी में बनाए गए हैं, बिठाए उनको उनको नियुक्त किया गया है। वह अलग अलग तरीके से इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं कि अग्निकांड में कौन दोषी है और आग किस तरीके से लगी है, इसके अलग अलग पहलुओं पर जांच की जा रही है। वहीं दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की उत्तर प्रदेश के डिप्टी CM और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा कार्रवाई करने की सख्त बात कही गई है। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए रवि। बागपत पे चोरों की हौसले बुलंद, 3 नलकूपों को बनाया निशाना। तो चोरों ने लाखों की चोरी को अंजाम दिया है, ग्रामीणों में भारी आक्रोश। मामले की जांच में जुटी पुलिस। बागपत कोतवाली क्षेत्र की यह पूरी घटना आपको बता रहे हैं, जहां चोरों के हौसले बुलंद। तो 3 नलकूपों को चोरों ने निशाना बनाया, चोरों ने लाखों की चोरी को अंजाम दिया है। तो न पुलिस का खौफ है, न कानून का डर है। और ऐसे में जिस तरह से घटनाएं हो रही है, उसको लेकर ग्रामीणों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। फिलहाल इस पूरे मामले पर पुलिस की जांच पड़ताल जारी। संवाददाता देवेंद्र चौहान हमारे साथ लाइन पर जुड़ गए हैं। देवेंद्र, बागपत में चोरों का आतंक देखने को मिल रहा है, 3 नलकूपों को बनाया निशाना। जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा, पिछले कुछ दिनों से लगातार जनपद बागपत में चोरी की जो वारदातें हैं वो लगातार बढ़ रही हैं, रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। और जो बेखौफ चोर हैं वो पुलिस को कहीं ना कहीं साफ तौर पर चुनौती दे रहे हैं। आपको बता दें, बागपत कोतवाली क्षेत्र का मामला है, जहां गोरीपुर गाँव के जंगल में आज 3 नलकूपों को चोरों ने निशाना बनाया और वहां दीवार में कुंबल करके उनके अंदर जो कृषि यंत्र है या फिर वहाँ कीमती जो सामान थे, तमाम तरीके के चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। और कल भी 2 नलकूपों के उनके पास से चोरी की वारदात हुई है। लेकिन जिस तरीके से लगातार चोरी की वारदात हो रही है, कहना इस पूरे मामले पर देवेंद्र, क्योंकि एक साथ 3 नलकूपों को निशाना बनाया गया, जो इस बात को साफ जाहिर करता है कि ना पुलिस का खौफ है, ना कानून का डर इन चोरों में। जी बिल्कुल, जिस तरीके से लगातार चोरी हो रही है, वो साफ तौर पर पुलिस को चुनौती दे रहा है। और पुलिस अगर देखने वाली बात है तो अभी लकीर पीटती हुई नजर आ रही है, क्योंकि पुलिस ने किसी भी तरीके का कार्रवाई, बात करूं पिछले एक सप्ताह में जनपद बागपत में कई, अगर बात करें तो 50 से ज्यादा नलकूपों में चोरी की वारदात हो गई है अलग अलग थाना क्षेत्रों में, लेकिन कोई भी अभी किसी प्रकार की पुलिस की तरफ से ठोस कार्रवाई नहीं की गई है, जिसका ये खामियाजा है। लगातार जो बेखौफ चोर है वो चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। जी चलिए, बहुत शुक्रिया देवेंद्र तमाम जानकारी।